अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्नाद ग्राफिक्स। अच्छा, पहली क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल को, ठीक है। सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड क्लास, नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। उसमें हम आज पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ होती है, इलस्ट्रेटर में ये किस तरह काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आके हम एक शेप बनाते हैं, कोई भी एक शेप बनाई। यहाँ से कलर को किया नन और ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से आप जब भी सिलेक्ट करेंगे तो चारों पॉइंट सिलेक्ट होंगे और आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्केल डाउन या स्केल आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाया और यहाँ से आप कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो ऊपर वाले, इन्हीं पर काम होगा। आप जब छोटा करेंगे तो ये दो पॉइंट ही आगे पीछे जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। बाकी जो नीचे वाले दो पॉइंट हैं आप देख सकते हैं, ये अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे। अगर आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो इस एक पॉइंट को आप कहीं पे भी आगे पीछे लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट सिलेक्शन का काम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन से आप जो है ना कोई भी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट में कोई चेंजेस वगैरह करनी हो, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये एक पॉइंट लिया, इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से राउंड हो जाए, तो ये देखें आप, ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट डिलीट हो जाए, ठीक है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू। अब अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे वाले दो पॉइंट जो हैं, ये दो पॉइंट अपनी जगह पर ही रहें और ये दो पॉइंट जो हैं यहाँ पे, ये वाले दो कॉर्नर नीचे की तरफ आ जाए, तो आपने जस्ट ड्रैग करना है इसको नीचे की तरफ, ये देखें आप, ठीक है। ये दो पॉइंट अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन ये दो पॉइंट आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से जब सिलेक्ट किए हैं तो ये दो पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, तो इन दो पॉइंट को आप किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं। यहाँ से एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं। आर्ट प्रेस करके भी आप कॉपी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कॉपी लेने का। एडिट में जाएं, कॉपी करें, फिर एडिट में आएं, पेस्ट इन फ्रंट करें या पेस्ट इन प्लेस करें, ठीक है। पेस्ट इन फ्रंट करें, पेस्ट करें, पेस्ट इन फ्रंट करेंगे तो इसी के ऊपर एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप कीबोर्ड के हैंडल से आप यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पर लेके आएँ, थोड़ा सा और साथ लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर, और यहाँ से इसकी एक और कॉपी लेते हैं, सॉरी सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं। एडिट में जाके कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट, और यहाँ से इसको कॉपी लेके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ये तीन स्क्वायर बन गए, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाते हैं और इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आते हैं, एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये दो पॉइंट अपनी जगह पे रहेंगे, ये सारे पॉइंट अपनी जगह पे हैं। अब सिर्फ ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए डायरेक्ट सिलेक्शन से और यहाँ से इसको ड्रैग करके ये बिल्कुल इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल एक शेप बन गई है। ये आप अलग अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग उठा सकते हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं, ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया और यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया। अब आप चाहते हैं ये सारा ग्रुप हो जाए तो आपने क्या करना है, क्लिक करके ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक ऑप्शन ग्रुप का, ठीक है। आप ग्रुप करेंगे, ग्रुप करने के बाद आप यहाँ से किसी भी एक को उठाएँगे तो ये सारा साथ जाएगा, जहाँ पर भी आप रखना चाहें इसको, ठीक है। अगर आप इसमें कलर वगैरह करना चाहें तो कलर भी हो जाएगा, कलर भी, क्योंकि आपने ग्रुप किया हुआ है सबको। तो यहाँ से इसको करते हैं हम अंडू, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं छोटा, स्केल डाउन करके शिफ्ट प्रेस करके करना है, ठीक है। यहाँ से इसको छोटा किया और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कलर कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं, वाइट कलर करके इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं, अच्छा ये पेन टूल है, अगली क्लास में हम देखेंगे पेन टूल किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और ये सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्शन टूल आप लेंगे तो आपके पास कोई भी हैंडल वगैरह नहीं होंगे, आप किसी भी एक पॉइंट से इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन का काम ये होता है कि आप यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें, आपके पास ये हैंडल नज़र आ रहे हैं आपके आपको, ठीक है। आप इस हैंडल से इसकी जो भी शेप वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको पकड़ के हैंडल को मैं यहाँ से अपनी तरफ लेके आता हूँ, दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो ये देखें आप इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो रही है। या आप किसी भी तरह से जो है ना इसको कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस हैंडल की मदद से इस दूसरी वाली साइड को चेंज किया, या ऊपर वाले एक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम इसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। या इसको हम यहाँ पे रखते हैं और नीचे वाले को राउंड करना है तो नीचे वाले को राउंड कर सकते हैं, ठीक है। राउंड करने के बाद इसको राउंड कर सकते हैं आप, सर्कल सर्कल बन जाएगा। कंट्रोल जेड किया, अंडू किया। अगर आप ये पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो इस एक पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हैं, इस एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया और इसको भी हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक और टूल है, यहाँ पे पेन टूल के अंदर आप आएँ, ये नीचे आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा, एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस सी, ये आपको नज़र आ रहा है एंकर पॉइंट टूल के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस सी। तो यहाँ पे इसको उठाते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम ड्रा करते हैं एक सर्कल, शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रा करना है ताकि बिल्कुल जो है ना वो सर्कल ठीक डायमेंशन में ड्रा हो। एक सर्कल ड्रा किया, उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले ली। अब यहाँ से हम आते हैं एंकर पॉइंट टूल पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसमें कोई भी ऊपर की तरफ जो है ना वो आप राउंड आर्क वगैरह ड्रा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये एक पॉइंट जो है यहाँ से एंकर पॉइंट आप इसको डिलीट कर दें तो ये भी इससे कर सकते हैं एंकर पॉइंट से। यहाँ पे जैसे आपने आके क्लिक करना है तो ये डिलीट हो गया एंकर पॉइंट। अगर आप ये एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे आके आप क्लिक कर दें तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँ और इस एक पॉइंट को उठाएँ, यहाँ पर ले आएँ या यहीं पर रख के इसकी सर्कल, इसके ये जो आर्क वगैरह है इसको आप चेंज कर सकते हैं, राउंडनेस को यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं आप, किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं, आप इसको देखते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक मतलब राउंड किस्म की, जिस तरह आप यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लें और यहाँ पे आके आप कहीं पे भी क्लिक करके और ड्रैग करें तो ये आपको एक कर्व बना के दे रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये एक कर्व बना के दे रहा है। अब यहाँ से आप इसको किसी तरफ भी मूव करके इस कर्व को आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ लेके आए तो ये एक शेप बन गई है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए, सैंडल को आप यहाँ से थोड़ा सा इधर ले आएँ, इसको थोड़ा सा इधर ले आएँ और ये देखें ये भी एक शेप बन गई है। मतलब इस तरह की काफ़ी शेप बन सकती हैं। आप जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये एंकर पॉइंट टूल से आप काफ़ी काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और सर्कल लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर बनाता हूँ, रेक्टेंगल, इसको यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको स्केल डाउन करते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ये यहाँ पे रख के। अब एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ पे आके यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है और यहाँ से ड्रैग करना है, आपको ये आर्क नज़र आ रही है सॉरी कर्व, ये कर्व बना के दे रहा है। यहाँ पे आके आप छोड़ेंगे जैसे ही।
वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, यहाँ पे से एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। अब ये देखें, ये एक पॉइंट जो यहाँ पे था वो डिलीट हो गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करके उसे आप डिलीट कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, सर्कल लेते हैं या कोई और शेप लेते हैं, पॉलीगॉन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पॉलीगॉन हमने ड्रा किया, इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं हैंडल आ रहे हैं। अब इन सब को आप अगर अपनी तरफ लेके आएँ, दरमियान वाली तरफ लेके आएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे आके हम ऊपर वाले दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इनको राउंड करते हैं। ठीक है, ये राउंड हो गए। अब आप अगर चाहते हैं कि ये नीचे वाले दो पॉइंट भी राउंड हो जाएँ तो आप इनको भी राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, ये डिलीट हो गया। अब ये देख सकते हैं आप, एक शेप बन गई। अब सिलेक्शन टूल उठाया और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब ये भी एक शेप बन गई है। ठीक है, अब इसको करते हैं डिलीट। अच्छा, एक और बात, यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल लिया, यहाँ से मैं आपको कलर करके बता देता हूँ, रेड कलर की है इसमें। एक और रेक्टेंगल लिया, इसमें हम कलर कर लेते हैं कोई भी, ब्लू कलर कर लिया। एक और रेक्टेंगल लिया, इसमें हम रख देते हैं येलो कलर। अब ये तीन रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये तीनों यहाँ पे रख देता हूँ मैं, एक सेकंड, तीनों नज़र आए आपको, ये तीन रेक्टेंगल हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये सबसे नीचे वाली जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेड कलर का, ये आप चाहते हैं कि सबसे ऊपर आ जाए, और ये जो है ये ऊपर वाले से नीचे चला जाए, मतलब ब्लू वाले से नीचे चला जाए, येलो कलर जो है ये सबसे नीचे चला जाए और रेड कलर सबसे ऊपर आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और माउस का बटन दबाना है, क्लिक करके आपको यहाँ पे एक नज़र आएगा ऑप्शन अरेंज का। ठीक है, अरेंज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा बैक, सेंड टू बैक। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक जैसे ही आप करेंगे, ये ऊपर वाला जो होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला होगा उसके ऊपर आप क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, जिस तरह मैंने ये रेड को सिलेक्ट किया हुआ है, अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाले से नीचे चला जाए, मतलब ये दरमियान में चला जाए, येलो से नीचे चला जाए और ब्लू से ऊपर ही रहे, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके रेंज में जाके ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सॉरी, ब्रिंग टू सेंड टू बैकवर्ड करना है, मतलब पहले वाले से नीचे चला जाए। ये ब्रिंग टू बैकवर्ड किया तो ये देखें, सेंड टू बैकवर्ड किया तो ये अब इसके नीचे चला गया, ये आप देख सकते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि ये वाला जो है ब्लू कलर जो है ये इन दोनों के दरमियान में आ जाए, रेड से ऊपर आ जाए और येलो के दरमियान में आ जाए, येलो से नीचे चला जाए, तो आपने क्या करना है, ब्लू वाले को सिलेक्ट किया, रेंज में आए और ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब ये रेड नीचे चला गया, येलो दरमियान में आ गया, सॉरी, ब्लू दरमियान में आ गया और येलो ऊपर आ गया। ठीक है, ये आप इस तरह कर सकते हैं, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से आप कोई भी इस तरह की शेप वगैरह जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं किसी भी तरह से। सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से हम लोग ड्रा करते हैं पेन टूल से, एक सेकंड, पेन टूल लिया यहाँ से। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे, पेन टूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में। ठीक है, पेन टूल में काफ़ी सारे जो है ना काम पेन टूल से होते हैं, तो पेन टूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी पेन टूल से हम एक कोई भी एक शेप ड्रा करते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ से हम करते हैं ये किया, यहाँ से ये किया और ये किया। ठीक है, फिर यहाँ से हम कर लेते हैं ये, सिलेक्शन टूल से पकड़ा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसी की कॉपी लेके इसको रिफ्लेक्ट करें और इसी
इसी शेप को आप पूरा कर लें, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से पेन टूल लेके इसको दोबारा से पूरी शेप बनाएं। आप क्या करेंगे, आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें, क्लिक करें, यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ट्रांसफॉर्म में जाएं, आप रिफ्लेक्ट करें, वर्टिकल करें, प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं इसकी कॉपी बन रही है। यहाँ से आपको कॉपी के ऊपर क्लिक करें, कॉपी बन जाएगी। आप यहाँ से हैंडल से इसको जो है ना एडजस्ट कर लें किसी भी जगह पे अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर इसको रख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसकी स्ट्रेट में, ठीक है। अब ये एक शेप बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके, एक सेकंड, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से जॉइन कर लिया। अब ये एक शेप बन गई है, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, यहाँ से आप देख सकते हैं आप ये पूरी एक शेप बन गई है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अगर ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं आप इनको राउंड करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, उसे बाहर की तरफ राउंड करना चाहें तो हल्का सा बाहर की तरफ लेके आएं। अब इसको भी करते हैं, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा इसको लेके आया बाहर की तरफ, ये राउंड हो गए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया और ये दूसरे के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी राउंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और आप इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हम साथ साथ देखेंगे अपनी क्लासेस में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी काफ़ी काम का टूल है, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बारे में। आज की क्लास बस इतनी ही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो है वो आप प्रैक्टिस वगैरह करें। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। वैसे तो ये पहली क्लास थी, दूसरी क्लास थी, पहली क्लास में हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा था, दूसरी क्लास में भी तकरीबन ये सेम ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेम ही चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।